नहीं, मेरा ये सवाल है, तो फिर जिनको आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर कह रहे हैं वो तो लगातार आप पर यही निशाना साध रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट्स के लिए कॉन्स्पिरेटर जिनको आप कह रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए कानून लाया गया है, वो तो ये लगातार कह रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया आज कि मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो, वो तो आपको किसानों का विलन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये एक फैमिली फ्रेम में फिक्स पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के पाखंड पर हम बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह का जो है वो पप्पू का घोंसला और लफाजी का चोचला हमने बहुत देखा है। आज की तारीख में हम किसानों की बात कर रहे हैं और हमने कभी भी जो है वो टकराव का रास्ता नहीं चुना, हमने टॉक का रास्ता चुना। और जिस दिन से किसानों की ये इश्यूज आए हैं, उन इश्यू पर ये सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री, तमाम वरिष्ठ लोग बैठ करके बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करके उसके समाधान की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अब इस दौरान जो है वो एक कुछ किसान संगठनों ने कहा कि हम साहब बंद करेंगे, हमने तो विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया कि बंद मत करो या बंद नहीं होना चाहिए या बंद करोगे तो हम तुम्हारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कभी नहीं कहा। अब उसमें जो है वो उस बंद में एंट्री हो जाती है उन साजिशी सुरमाओं की भी, जो कि इस पूरे के पूरे माहौल में अपना कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही जाना पहचाना रोल अदा कर रहे थे, उन्होंने भी एंट्री कर ली, आपने वो भी देखा होगा आज। लेकिन ये बहुत जल्द ही ये तमाम ऐसी जो साजिशें हैं वो एक्सपोज भी होंगी, और जो बातचीत अभी क्योंकि हो रही है इसलिए आप इंतजार करिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नकवी जी, जल्दी जो है मंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने भारत बंद के इनके आह्वान में कोई खलल नहीं डाला। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।